दोस्तों नमस्कार, एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश का अगला जिला। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग का तीसरा जिला हम पढ़ने वाले हैं। हमने पहले इससे पहले जबलपुर पढ़ लिया है, डिंडोरी पढ़ लिया है और अब तीसरा है आपका नरसिंहपुर जिला। तो आइए पहले नक्शे में देख लें दोस्तों। नक्शे में देखने के बाद हम देखेंगे आपके किसमें आपकी जो डिटेल है वो। तो आइए सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये मध्य प्रदेश का हमारा नक्शा है दोस्तों, है ना। हमेशा नक्शा निकाल के बैठिए, नक्शा निकाल के बैठिए और नक्शा निकाल के ही पढ़ना है। इससे आपको कई सारी जानकारी यहाँ पे हाथ लगेंगी और ये आपको याद भी होंगी जो परीक्षा में कहीं ना कहीं आती है। ये हमारा जबलपुर संभाग है दोस्तों, और जबलपुर संभाग में कौन सा जिला हम पढ़ रहे हैं दोस्तों आपका, ये इसी से टच है दोस्तों हमारा, कौन सा जिला आपका, नरसिंहपुर जिला, ठीक है। तो ये नरसिंहपुर जिला हम देखने वाले। तो नरसिंहपुर जिले की मैं बात करूँ किन किन जिलों से टच है दोस्तों, तो ये आपका नरसिंहपुर जिला है ना, आपके जबलपुर संभाग की भी हम बात करते हैं अभी, ठीक है। नरसिंहपुर जिला है दोस्तों, एक जबलपुर से टच है, दूसरा दमोह है, तीसरा सागर, चौथा रायसेन, पांचवा होशंगाबाद, छठा छिंदवाड़ा और सातवां आपका सिवनी। तो सात जिलों से टच है हमारा कौन सा जिला, नरसिंहपुर जिला, ठीक है। अब ये जो जिला है ना दोस्तों किस संभाग में आता है उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। तो ये आता है हमारे जबलपुर संभाग में। किस में आता है दोस्तों, जबलपुर संभाग में आता है। तो ये आपको यहाँ पे ये चीजें याद रखना है, ठीक है। ये इतना बड़ा हमारा यहाँ पे जबलपुर संभाग आ जाता है दोस्तों, ठीक है, जिसमें इतने सारे जिले आते हैं, जैसे कटनी हो गया, जबलपुर हो गया दोस्तों, नरसिंहपुर हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, है ना, पांचवा आपका सिवनी, छठा बालाघाट, सातवा आपका ये और आठवा आपका डिंडोरी। तो इस प्रकार से टोटल आठ जिले हमारे जबलपुर संभाग में आपके आते हैं, ये हमारा जबलपुर संभाग। और हम पढ़ रहे हैं नरसिंहपुर जिला, और नरसिंहपुर जिले में कितने आपके आसपास टच हैं, ये सब जानकारी हमने देख ली है। और अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों आपके मध्य प्रदेश के जिले नरसिंहपुर की। तो जिला नरसिंहपुर पढ़ने से पहले दोस्तों आपसे ये गुजारिश करूंगा, प्लीज वीडियो को अंत तक देखा करें, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं पूछता हूं, बहुत सारे विद्यार्थी जो अच्छे अच्छे आंसर देते हैं, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लगता है कि आप मोटिवेट हैं अपनी पढ़ाई के प्रति, है ना, अपने टारगेट के प्रति। तो आप थोड़ा अंत तक देखें इस चीज को, है ना। चलिए मैं बात करता हूँ, यहाँ से नरसिंहपुर जिला है, तीसरे नंबर का जिला हम पढ़ रहे हैं। ऐसे तो आपके आगे तक पढ़ रहे हैं, बहुत सारे हमारे संभाग कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। नेशनल हाईवे यहाँ से गुजरते हैं 44, 45 और 547 नेशनल हाईवे नंबर यहाँ से गुजरता है, ये आपको याद रखना है। धीरे धीरे चाहो तो इसके लिस्ट बना लो, जितने जिले अपन ने पढ़ लिए तो उससे आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, नदियाँ यहाँ से कौन कौन सी बहती है। तो नर्मदा नदी यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकल रही है आपकी, अनूपपुर से निकल रही है, लेकिन बहती कहाँ से हमारे नरसिंहपुर जिले में। अरहर उत्पादन में दोस्तों प्रथम स्थान पर हमारा नरसिंहपुर जिला। तो अरहर उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, तो वो है हमारा नरसिंहपुर जिला। कौन सा जिला है दोस्तों, नरसिंहपुर जिला है। प्लीज वीडियो देखिए और लाइक कीजिए। कैसे करना है तो मैं बताता हूं दोस्तों, मोटिवेट होगे मेरी तरह तो बिल्कुल आगे बढ़ोगे। कैसे बढ़ेंगे दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रथम खुले में दोस्तों सोच मुक्त जो जिला बना हमारा नरसिंहपुर जिला बना। और जितने लोग नरसिंहपुर से प्लीज कमेंट करना दोस्तों। तो मध्य प्रदेश का प्रथम खुले में सोच मुक्त जिला कौन सा बना हमारा, नरसिंहपुर जिला बना। दूसरा आता है बर्मान घाट का मेला दोस्तों। कौन सा घाट का मेला, बर्मान घाट का मेला गाडरवाड़ा में मिलता लगता है। कहां लगता है, गाडरवाड़ा, जो कि पड़ता हमारे नरसिंहपुर क्षेत्र में, नरसिंहपुर जिले में। नेक्स्ट आता है महाभारतकालीन दोस्तों विराट नगरी है यहाँ पे। कौन सी नगरी है, विराट नगरी, ठीक है, इसी ही जिले को माना जाता है। तो महाभारतकालीन विराट नगरी किस जिले को माना जाता है, तो यह माना जाता है हमारे नरसिंहपुर जिले को। किस जिले को, नरसिंहपुर जिले को। फिर आता है दोस्तों बाची, एक जगह है यहां पे बाची। बाची में दोस्तों कीचक या कीचडक्त दो की विशाल मूर्ति है। कहां पे दोस्तों, बाची एक जगह है नरसिंहपुर जिले में, ठीक है। नरसिंहपुर का किला यहां पे इंपोर्टेंट है, नरसिंह किले के नाम से भी जानते हैं, नरसिंहपुर के किले के नाम से भी हम इसको जानते हैं। यहीं पे दोस्तों एक घाटी जिसका नाम है डमरू घाटी। यहां पे क्या है, एक बहुत बड़ा विशाल शिवलिंग है दोस्तों, उसके अंदर एक लघु शिवलिंग है, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाती है। डमरू घाटी एक जगह है आपकी, स्थल है। तो ये दर्शन स्थल हो गया हमारा। तो नर्मदा नदी गुजर रही है, अरहर उत्पादन में प्रथम जिला हो गया, खुले में सोच से मुक्त जिला हो गया हमारा, गाडरवारा में बर्मान घाट का मेला लग गया, विराट नगरी है जो महाभारतकालीन है दोस्तों, है ना, इसी जिले को बोलते हैं विराट नगरी। बाची कीचक या कीचडक्त दोस्तों विशाल मूर्ति, नरसिंहपुर का किला है, नरसिंह का किला है दोस्तों, ठीक है। अगला है डमरू घाटी, जो विशाल शिवलिंग है उसके अंदर एक शिवलिंग हो रहे। अगला है दोस्तों आपको ग्वालियर में जो क्वेश्चन है आपको लास्ट में पूछूंगा कि ग्वालियर जो संभाग है ना, उस ग्वालियर संभाग में कितने जिले आते हैं, आपको कमेंट करना है मेरे दोस्तों, ठीक है, लास्ट में कमेंट करना, भूलना नहीं इस चीज को। हिंदी भाषी क्षेत्र है दोस्तों ये, और हिंदी भाषी क्षेत्र में नरसिंहपुर जिला दोस्तों पूर्णता साक्षर जिला है, और ये प्रथम जिला है मध्य प्रदेश का जिसे पूर्णता साक्षर जिला बोला गया है हिंदी भाषा के क्षेत्र में। देन उसके बाद आता है गन्ना अनुसंधान केंद्र। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ हो गया हमारे,
नरसिंहपुर में। तो नरसिंहपुर में क्या है हमारा गन्ना अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। अगला आता है दोस्तों इस जिले के मोहत गांव, कौन सा गांव दोस्तों, एक मोहत गांव है जहां पे सभी लोग दोस्तों संस्कृत में बातचीत करते हैं। एक ऐसे ही जिला है दोस्तों राजगढ़ जिला, राजगढ़ जिले में एक गांव है जिसका नाम है झिरी गांव, है ना। उस झिरी गांव में भी संस्कृत में बातचीत की जाती है, दीवारों पर श्लोक लिखे हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है उनसे बातचीत करना, ठीक है। तो कभी आपका मूड बने तो प्लीज विजिट कीजिए मोहत गांव नरसिंहपुर और राजगढ़ जिले का झिरी गांव, ठीक है। अगला आता है दोस्तों किशोर बंदी गृह जेल है यहाँ पे, ठीक है, ये भी याद रखना है। यहीं पे दोस्तों चोरागढ़ का किला है जो कि संग्राम शाह ने बनवाया था, किसने, राजा संग्राम शाह ने बनवाया था दोस्तों, यहाँ पे राज भी किया है चोरागढ़ के किले में कुछ समय के लिए। यहीं पे दोस्तों नरसिंह मंदिर है, नरसिंह किले के नाम से भी जानते हैं, यहीं पे दोस्तों नरसिंह किला भी है और नरसिंह मंदिर भी है। यहीं पे दोस्तों नरसिंह भवन है दोस्तों, क्या है, नरसिंह भवन। यहाँ पे दोस्तों वर्तमान कलेक्टर कार्यालय है, यहाँ पे क्या है, कलेक्टर का कार्यालय कहां पे स्थित है, नरसिंह भवन में स्थित है। यहां पे दोस्तों बलधारी या बलि स्थली है ना, बलधारी एक जगह है जिसको हम बोलते हैं बलि स्थली, यानी कि राजा बलि का स्थान है। किसका, राजा बलि का स्थान कहां पे रहा है दोस्तों, नरसिंहपुर में रहा है, किस जगह का नाम है, बलधारी। अगला है दोस्तों बलधारी में दोस्तों पांडवों ने यहीं पे सतधारा निकाली थी, कौन सी धारा, सतधारा निकाली थी, ये आपको याद रखना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ग्वालियर संभाग में कितने जिले आते हैं कमेंट कीजिए, और धन्यवाद साथियों इतना सपोर्ट करने के लिए, और हमेशा ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक और शेयर जरूर करना, और जिन जो नए विद्यार्थी हैं वो बेल आइकन को जरूर जरूर दबा लें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से ज्वाइन कीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद साथियों। दोस्तों यदि आप एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, है ना, और इसकी बेस्ट से बेस्ट टेस्ट से ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, तो परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है दोस्तों। यहां पे 50% का ऑफ आपको दिया जा रहा है, ये आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं MCC50, है ना, MCC50 आप कोड यूज़ करने पर आपको ये टेस्ट सीरीज में दोस्तों 50% का यहाँ पर पहली बात तो डिस्काउंट मिल जाएगा, साथ में आपके यहाँ पर तैयारी सुनिश्चित हो जाएगी कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं, कितने पॉजिटिव में हैं, कितने नेगेटिव में, कौन सा चैप्टर हमारा कमी है जिसके हमारे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, चाहे वो साइंस का हो या मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो या जीके का हो, तो वो चीज़ को आप कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों इस चीज़ से। साथ में इसके सॉल्यूशन भी आपको वहीं पे दिए जाते हैं, आपकी रैंक भी यहाँ पे पर्याप्त रूप से बताई जाती है। तो धन्यवाद साथियों, प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।